सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग। सो गाइज़ आज की वीडियो में एक्टिवा 7G के बारे में बात करेंगे, इंडिया में कब तक लॉन्च होने वाली है, जो इसके लुक्स वगैरह है किस तरह से होने वाले हैं, और काफ़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जब एक्टिवा 7G लॉन्च नहीं हुई तो ये वीडियो कौन सी होती है। और उसके बाद गाइज़ बात करेंगे कि यार एक्टिवा 7G की जो फीचर्स है क्या क्या, उसमें नई चीज़ें आने वाली है और भी गाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ मैं पहले कह रहा था, वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, वरना आपको ये वीडियो फेक लग सकती है। वैसे इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना गाइज़, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन दबा लेना। तो चलो गाइज़ फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये छोटा सा इंट्रो देख लो और मैं आगे आपको बताता हूँ। Quite some time now, just to see you again. सो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो गाइज देख सकते हो वीडियो में सामने की तरफ आपको इसमें क्रोम देखने को मिल जाएगा, और सामने के नीचे की तरफ आपको डिस्प्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, और गाइज इसके साथ साथ अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे आपको इसमें। डिस्प्रेक्स आपको इसमें हाइड्रोलिक देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे इसमें आपको। और उसके साथ जो आपको ब्रेक कह सकते हो, पीछे वाला आगे वाला दोनों का वो जो दबाने वाला होता है, वो अभी आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलेगा। फ्लोर मैट का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो गाइस, और साथ ही साथ इसके इंजन का भी लुक आप इस तरह से देख सकते हो। पीछे की तरफ आपको स्प्रिंग वाला सस्पेंशन देखने को मिलेगा सिंगल, और इसके साथ साथ इसकी बात करें तो बिल्कुल ब्लैक फिनिश में मैट में आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग लग रही है गाइस। और गाइज़ एक और चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, गाइज़ आप देख रहे होगे कि यार ये एक्टिवा 7G कौन सी वाली स्कूटी है। तो जैसा कि आपको पता है गाइज़, होंडा एक जापानीज कंपनी है, तो उसके स्कूटर्स पहले जापान और थाईलैंड, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में लॉन्च होते हैं, उसके कुछ टाइम बाद इंडिया में आते हैं। तो मॉडल डिज़ाइन वगैरह सब बिल्कुल सेम रहता है, बस इंडिया में आपने देखा होगा पीछे से जो ये इस तरह से डिज़ाइन है इसका, वैसा नहीं होता, हल्का सा गोल सा जो अपना एक्टिवा वगैरह का डिज़ाइन रहता है उस तरह से होता है। बाकी इंजन वगैरह जो CC में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे वहाँ पे 150 CC, 200 CC के इंजन आते हैं, अपने इंडिया में 110 मैक्सिमम 125 CC के इंजन आते हैं, इतना ही डिफरेंस होता है गाइज। तो गाइज उसके अलावा बाकी सब बिल्कुल नाम चेंज होता है, वहाँ पे कोई इसको वेरियो कहते हैं, SH वगैरह कहा जाता है। तो गाइज इंडिया में होंडा इसको एक्टिवा करके रीब्रांड करके बेचती है। तो गाइज बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, और कुछ थोड़े फीचर्स का डिफरेंस होता है, ऊपर नीचे कुछ कम ज़्यादा फीचर्स होते हैं। बाकी आप देख सकते हो अंदर फ्यूल फिलर कैप मिल जाती है, अंडर सीट स्टोरेज भी बिल्कुल वैसी अपने इंडियन मॉडल जैसी होती है, और गाइज सारी बाकी चीज़ें देख सकते हो आप, जो स्पीडोमीटर है वो भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है, और कुछ इसी तरह से आने वाला है गाइज 7G में भी। इससे पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें बिल्कुल सेम ही चीज़ें आती थी गाइज, तो बिल्कुल यही होता है, फॉरेन कंट्रीज़ के हिसाब से चलता है होंडा, और वही सारे मॉडल्स देखने को मिलते हैं गाइज। और इसमें आप देख सकते हो गाइज कीलेस इग्निशन भी देखने को मिल जाता है। अब उम्मीद करते हैं ये फीचर इंडिया में लेके आ जाए होंडा, लेके आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है गाइज। इसमें क्या होता है, आपको चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उस पर बटन दबाओ, चाबी आपके पास होगी तो स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी और चलने लग जाएगी। तो गाइज बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, इन चार वीडियोस को देख लेना, ऊपर आई बटन दबा के भी वीडियोस आ रही होंगी देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बाय।